उज्जैन के गंभीर नदी रोड पर नई खेड़ी गांव में संपूर्ण विश्व की भलाई की कामना को लेकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में नई खेड़ी, पान बड़ोदिया, मऊखेड़ी, रतड़िया, सिलौदा गांव के ग्रामीण और स्थानीय रहवासी पहुंच रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं, यहाँ पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों से स्थानीय ग्रामीण चैन सिंह कुशवाहा, पूर्व सरपंच जो भगवान के भक्त हैं और भक्ति करते हैं, उनका मानना है कलयुग में भक्ति ही शक्ति प्रदान करती है, भक्ति ही विजयश्री को दिलवाती है, इसलिए मैं और मेरे परिवार के सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं। मैंने परमात्मा से जो कुछ मांगा मुझे सब कुछ मिला है भगवान की आराधना से, और मेरे मन में प्रभु ने, मैंने मजदूरी करी और भगवान की दया से मैं आज इस पोस्ट पर परमात्मा लाया है। और मेरे परमात्मा जब भी मेरे को कोई संकट आता है, वो जब मैं उसे याद करता हूँ, जब मेरे भगवान मेरी सब नैया पार करता है परमात्मा। तो जब से मेरी लगन है महाकाल बाबा की नगरी में और गुरु जी का, मैं मेरे गुरु है 20 साल से, और इनकी आज्ञा से मैंने ये कार्यक्रम चलाया है, और भगवान की इच्छा से मैं जिंदा रहूँगा तब तक चलूँगा, जिस तरीके से परमात्मा की दया वो सब लोगों को सुनूँगा। के अंदर भागवत महापुराण से बढ़कर श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की पूरी विष्णु संहिता है, और भगवान कृष्ण ने ये सभी को आगाज किया है कि आप सब भगवान की भक्ति करिए भागवत के माध्यम से, और अपने जीवन को सफल बनाइए और परमात्मा की भक्ति करिए, परमात्मा की आराधना करिए। सत्संग और कथा से बढ़कर कुछ है नहीं, क्योंकि ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि ने यही बताया है, वशिष्ठ जी ने, कि बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा है, और सत्संग के साथ भगवान की जो आराधना होती है, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का भजन होता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।